हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस लहंगे वाली वीडियो को पार्ट 3 है। इसमें हम केन लगाएंगे। कैसे केन लगाते हैं वो देखते हैं। ये लहंगा है, लहंगा इसका ये जो मेन पार्ट है वो हटा लेंगे। उसके बाद ये सेंटून वन वाला इनर है और फिर ये कॉटन वाला इनर। हम कॉटन वाले इनर के ऊपर लगाएंगे। ये हमारे पास केन है, इस तरह की है ये केन। हम नीचे से हम 25 इंच पे लगाएंगे, ऐसे मार्क करेंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे हम मार्क। ये मैंने 25-25 इंच पे मार्क कर लिया दोनों साइड से ऐसे। ये केन है, ये 5 मीटर केन लिया मैंने। ये ऐसे 19.5 है। मैं इसको भी 25 सिंगल करके 25 की कटिंग कर लूँगी ऐसे। देखिए 25 इंच, हमने 25 इंच पे मार्क किया था, 25-25 इंच की। 25-25 इंच पे पूरी 5 मीटर हम केन ऐसे कट कर लेंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसे भी साइड में जोड़ देंगे ताकि अच्छा घेरा बन जाए। ये मैंने केन कट कर लिए। उसके बाद जितना ये घेरा है, जितना भी ये घेरा है, इसको ऐसे मेज़र करेंगे। ये आ रहा है 31। 31 का डबल हम कर लेंगे ऐसे। हम 4 से 5 इंच लंबी ऐसे कपड़ा ले लेंगे, 4-5 इंच चौड़ा, और लंबाई 31 का डबल ले लेंगे हम वो लेके। ये मैंने पट्टी कट कर ली जो हमने केन काटी थी, ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम, क्योंकि हमारा तो ये इक्वल कपड़ा है, जितना भी ये लंबा हमारा कपड़ा है, जितना भी लंबा कपड़ा है उतना ही हमें केन में चुन्नट डाल के तैयार करनी है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे धीरे धीरे इतनी ऐसे चुन्नट, गहरी गहरी चुन्नट डाल लेंगे, क्योंकि 5 मीटर केन है हमारे पास। ऐसे हम डालते चले जाएंगे चुन्नट, जितना भी हमारा कपड़ा है, ये जितनी जो लंबी हमने पट्टी ली है उसमें हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। वो आप देख लें कि कितने दूरी पे आप चुन्नट डालेंगे। मैं ये ऐसे एक कपड़ा लगाया, अब इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगाएंगे, और नीचे भी सेम ऐसे ही पट्टी को ऐसे ही सेम कपड़ा हम नीचे भी लगा देंगे ऐसे फोल्ड करके। ये यहाँ से भी फिनिशिंग के साथ हो जाएगी। जैसे ऊपर वाला पार्ट है ऐसे ही हम नीचे वाले पार्ट पे भी कपड़ा लगा के इसको फिनिशिंग के साथ कर लेंगे, और हमारी केन तैयार हो जाएगी। फिर लेंगे हमें कैसे अटैच करेंगे फिर वो दिखाएंगे। ये नीचे से भी ऐसे फिनिशिंग कर ली, ऊपर और नीचे से दोनों जगह से। अब ये बिल्कुल भी हमारे पैरों पे टच होके चुभेगी नहीं। अब जहाँ पे हमने मार्क किया था ऐसे स्टार्ट करेंगे मार्क के ऊपर, और सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे, फिर दिखाते हैं। ये हम ऐसे, ये अंदर की साइड रहेगी, जो ये नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पे नहीं, हम अंदर वाली साइड में लगाएंगे। जो सबसे नीचे वाला इनर है उसके सबसे नीचे वाले हिस्से पे ना लगा के अंदर की तरफ लगाएंगे, और ये पूरी सिलाई हम कंप्लीट करते हैं। ये केन अटैच हो गई ऐसे। ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उसके बाद ये केन है। इस केन को हम ऐसे ऐसे करके हाथ से ऐसे सेट कर लेंगे बिल्कुल। उसके बाद ये वाला इनर आएगा ऐसे इस केन के ऊपर, और उसके बाद जो जिस मेन फैब्रिक है लहंगे का वो आएगा, और हमारी लहंगा एकदम से तैयार है। ठीक है, बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर टाइम।